dear students, कैसे हैं आप? I hope you are doing well and enjoying your studies, isn't it? My name is Ancho and you are welcome to my channel. चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिसिटी क्या होती है और कंपाउंड की स्ट्रक्चर के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होता है। एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग बेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आता है आर्गनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्गनियस बेस, वो कंपाउंड जो OH नेगेटिव को रिलीज कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम आर्गनियस बेस बोलते हैं, जैसे NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड। नंबर सेकेंड, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो ऐसे कंपाउंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस कहलाते हैं, जैसे अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, ईथर, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और एल्कीन एंड एल्काइंस। तीसरे नंबर की थ्योरी आती है लुईस थ्योरी, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो ऐसे कंपाउंड लुईस बेस कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, वाटर, ईथर्स। मेजरमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए उस बेस की रिएक्शन एक्वस मीडियम में करवाई जा रही है। यहाँ पर वाटर एज ए एसिड वर्क करता है, बेस का मॉलिक्यूल इस एसिड से एक एच को एब्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें बेस का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और इस कारण से इसके कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगर इस इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। चूँकि इस एक्सपेरिमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको एक नया कॉन्स्टेंट KB मान सकते हैं, यानी KB हमारे पास बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी KB का माइनस लॉग वैल्यू लेने पर PKB आता है। PKB हमारे पास एक ऐसी pH होती है जिस पे बेस के हाफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर कोई कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है, यानी कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होती है तो हमेशा उसकी KB वैल्यू ज़्यादा होगी और PKB वैल्यू कम होती है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि अगर किसी बेस के लिए PKB वैल्यू की जगह पर PKa वैल्यू दी जाए तो ऐसी कंडीशन में उसकी PKa वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस में PKB वैल्यू कम होती है जबकि PKa वैल्यू ज़्यादा होती है। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करने के लिए उस कंपाउंड के थ्रू कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट का फुलफिल होना जरूरी होता है। जैसे नंबर वन, अगर कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है उस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। अगर ऐसा बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस कंडीशन में कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस एम, प्लस एच या फिर प्लस आई जैसे इफेक्ट रखते हैं, और इनकी प्रेफरेंस का ऑर्डर भी इस तरह से आता है, यानी अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस एम के थ्रू हो रहा है तो उसके डोनर एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी जिससे वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, और अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस आई के थ्रू हो रहा है तो इस कैटेगरी में उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके डोनर पे होगी और वो वीक बेस होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने के बाद कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन होती है और इस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऐसा देखा है कि किसी भी कंपाउंड में अगर PKB वैल्यू दी गई है तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम PKa वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनिया की PKB वैल्यू हमारे पास 4.74 दी गई है। अगर अमोनिया के लिए हमें PKa वैल्यू निकालनी होगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी PKa वैल्यू 9.26 आएगी। इसी तरह से मिथाइल अमीन की अगर PKB वैल्यू हमको 3.36 दी गई है तो इस इक्वेशन से उसकी PKa वैल्यू 10.64 आएगी। अब अगर मान लीजिए अमोनिया और मिथाइल अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो हमको ये देखना पड़ेगा इसके नाइट्रोजन पर किस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अमोनिया के एक एच को रिप्लेस करके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया है और मिथाइल इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अपने प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। यानी अमोनिया और मिथाइल अमीन में मिथाइल अमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो एटम स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका मतलब ये है अमोनिया और मिथाइल अमीन में से मिथाइल अमीन स्ट्रॉन्ग बेस है।
अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसकी पीकेबी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इन दोनों की अगर पीकेबी वैल्यू देखें तो मिथाइल अमीन स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इसकी पीकेबी वैल्यू कम होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की पीकेबी वैल्यू कम होती है तो हमेशा उसकी पीकेए वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए मिथाइल अमीन की जो पीकेए वैल्यू होती है वो अमोनिया से ज़्यादा होती है। किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। अब इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और उसके किसी एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी किसी एटम पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल बेस की तरह काम कर सकता है, जैसे अमोनिया, H2S, 1° अमीन, एल्कोहल एक्सेट्रा। इसी तरह अगर मान लो हमारे पास एनायन है और उसके किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा एनायन बेस की तरह काम करता है, जैसे NH2 नेगेटिव, ATO नेगेटिव एक्सेट्रा। अब मान लीजिए हमारे पास कार्बिन है, तो कार्बिन के इस कार्बन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब इस डेफिनेशन या इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बेस की तरह एक्ट करना चाहिए, बट कार्बिन कभी भी बेस की तरह एक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल पहले से ही प्रेजेंट है। अगर मान लो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके बेस बनता है तो इसमें डेफिशिएंसी डबल हो जाएगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। ऐसी कंडीशन में कार्बिन बेस की तरह काम ना करके एसिड की तरह काम करते हैं और अपने इस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसके थ्रू कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ इम्पैक्ट होती है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फॉर्मल चार्ज को। अगर किसी कंपाउंड में फॉर्मल चार्ज ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है उस कंपाउंड या आयन में उसके डोनर एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा डोनर एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी टेंडेंसी एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने की होगी। ऐसी कंडीशन में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उसकी KB वैल्यू बढ़ जाएगी, PKB वैल्यू कम हो जाएगी, या हम इसको PKA वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो PKA वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर वन, इस एग्जाम्पल में हमारे पास अमोनिया और एमाइड का कंपैरिजन है। इन दोनों में अगर फॉर्मल चार्ज की बात की जाए तो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जबकि एमाइड के नाइट्रोजन पर -1 चार्ज होता है। इसलिए इन दोनों में इसमें फॉर्मल चार्ज ज़्यादा होने के कारण इसके डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर इसको हम इसके PKa वैल्यू से कोरिलेट करें तो जो हमारे पास अमोनिया है इसकी अगर PKa वैल्यू देखी जाए तो इसकी PKa वैल्यू 9.2 होती है, जबकि अमाइड की PKa वैल्यू 38 होती है। इसका मतलब ये हुआ जिस कंपाउंड की PKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। इसीलिए इन दोनों में से जो एमाइड आयन होते हैं उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, जिसमें से थर्ड कंपाउंड के नाइट्रोजन पर -2 फॉर्मल चार्ज है, सेकेंड कंपाउंड के नाइट्रोजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है, और फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास न्यूट्रल है। अगर इस कंपाउंड में इनके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड नंबर थर्ड में होती है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड नंबर फर्स्ट में होती है। इसका मतलब ये हुआ इस एग्जाम्पल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ की बात करें तो अगर इसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी जो KB वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम PKB वैल्यू की बात करें तो PKB वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर इनकी हम PKa वैल्यू की बात करें तो अगेन PKa वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर इसमें फॉर्मल चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है इस कंपाउंड की लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ या इसकी KB वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। नंबर सेकंड, अगर किसी कंपाउंड या आयन में फॉर्मल चार्ज सेम दे रखा हो, ऐसी कंडीशन में उसके डोनर एटम डिफरेंट होते हैं, और ये डोनर एटम पीरियोडिक टेबल में किस तरह से कोरिलेट होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, यानी पीरियोडिक टेबल में ये रो में अरेंज है या फिर ग्रुप में अरेंज है इसको देखा जाता है। पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल की रो को अरेंज किया है और यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को अरेंज किया है। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं, ऐसी कंडीशन में जो कंपाउंड का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने से उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि उसका और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस कारण से
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजिली एच पॉजिटिव को डोनेट नहीं होता। अगर एच पॉजिटिव को इजिली डोनेट नहीं होता है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसकी के बी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि पी के बी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी ग्रुप में माइग्रेट करते हैं, तो जो साइज होता है वो ड्रास्टिक इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आने से साइज इंक्रीज होने के कारण उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इजीली अकोमोडेट हो पाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आने में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है अब वो इजीली एच पॉजिटिव को डोनेट नहीं होगा, और इजीली एच पॉजिटिव को डोनेट नहीं होगा तो टॉप टू बॉटम आने पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीज होने से इसकी के बी वैल्यू डिक्रीज होगी, और के बी वैल्यू डिक्रीज होने से इसकी पी के बी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी रो में लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जबकि राइट हैंड साइड पे वीक बेस होते हैं। इसी तरह किसी ग्रुप में टॉप पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है जबकि बॉटम में वीक बेस होता है। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास चार तरह के एनायन दिए गए हैं जिसमें कार्बन पर नेगेटिव, एन पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव और एफ पर नेगेटिव होता है, यानी कि इनके जो एटम होते हैं वो रो में अरेंज होते हैं। और अभी हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल की रो में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव को इजिली डोनेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज में जो कार्बन नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जबकि एफ नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं करेगा। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि इसमें CH3 नेगेटिव की के बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और एफ नेगेटिव की के बी वैल्यू सबसे वीक होगी। इस एग्जाम्पल को हम एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई बेस वीक होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा वीक होता है। इन बेस में एक एच पॉजिटिव को लगाकर इनके कॉन्जुगेट एसिड को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी CH3 नेगेटिव से CH4 बनेगा, NH2 नेगेटिव से NH3, OH नेगेटिव से H2O और F नेगेटिव से हमारे पास बन जाएगा HF। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इसके pKa वैल्यू के साथ कोरिलेट करा था कि जिस कंपाउंड की pKa वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिस कंपाउंड की pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना लेस एसिडिक होता है, यानी इसमें HF जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर HF स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा यानी F नेगेटिव जो होगा वो वीक बेस होगा। इसी तरह से अगर इसमें CH4 वीक एसिड है तो इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट यानी CH3 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जांपल नंबर 6, इन चारों एनायन में चूंकि फॉर्मल चार्ज सेम है और इनके डोनर एटम डिफरेंट है और ये चारों के चारों डोनर एटम ग्रुप में अरेंज होते हैं जिसमें एफ नेगेटिव टॉप पे होता है जबकि आई नेगेटिव बॉटम पे होता है, और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के टॉप टू बॉटम जाने पर उसके साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि एफ नेगेटिव का इस सीरीज में स्मॉलेस्ट साइज होता है जबकि आई नेगेटिव का इस सीरीज में लार्जेस्ट साइज होता है, और आई नेगेटिव का साइज लार्जर होने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज इजीली अकोमोडेट हो पाता है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसी कारण से आई नेगेटिव पूरा डोनर बन जाता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जबकि इसी कारण से जो हमारे पास एफ नेगेटिव होता है उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा और वो इस नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट या होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एच पॉजिटिव को डोनेट कर देगा और एफ नेगेटिव इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। इसके ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनके कंजुगेट एसिड भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अगेन इन सबको एक एच पॉजिटिव देखकर इनका कंजुगेट एसिड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एफ नेगेटिव से HF बनेगा, CL नेगेटिव से हो जाएगा HCl, BR नेगेटिव से HBr और I नेगेटिव से बन जाएगा HI। इन सभी कंपाउंड को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एसिडिक स्ट्रेंथ को इनकी pKa वैल्यू के साथ भी कोरिलेट किया है कि जिस कंपाउंड की
pKa वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिस कंपाउंड की pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उसका वीक एसिड होता है। इसका मतलब ये हुआ इन कंजुगेट एसिड में HI सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और HF सबसे वीक होगा। अगर HI स्ट्रॉन्ग है तो इसका काउंटर नेगेटिव पार्ट यानी कि I नेगेटिव क्या होगा, वीक हो जाएगा, और HF अगर वीक है तो इसका नेगेटिव पार्ट यानी F नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल 7 में इनका फॉर्मल चार्ज सेम है बट डोनर एटम डिफरेंट है और दोनों ही कॉलम में अरेंज है। O का साइज छोटा होता है जबकि S का साइज बड़ा होता है, इसलिए बड़े साइज में इजिली नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट हो जाएगा। इस कारण से इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो OH नेगेटिव होगा। इसको हम इसके pKa वैल्यू से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी KB वैल्यू की बात करें तो KB वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, pKb वैल्यू कम हो जाती है, बट उसकी जो Ka वैल्यू होती है, pKa वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर इसकी pKa वैल्यू देखें तो इसकी pKa वैल्यू 15.7 होती है जबकि इसमें pKa वैल्यू 11 होती है। इसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होना इस बात का इंडिकेशन है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर तीन कंपाउंड या एनायन दिए गए हैं जो कि रो में अरेंज है। इसमें फॉस्फोरस ऊपर होता है और Cl नेगेटिव सबसे नीचे होता है, इस कारण से इसका साइज बड़ा होने के कारण ये इस सीरीज का सबसे वीक बेस बन जाएगा। इसका साइज छोटा होने के कारण ये इस सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा, यानी कि इसमें अगर हम KB वैल्यू की बात करें तो इनके KB वैल्यू का कुछ इस तरह से ऑर्डर आएगा। नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कंपाउंड में उसके किसी एटम के हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट डेवलप हो सकता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एल्काइन और अमोनिया की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था। वहाँ हमने देखा था कि इन दोनों में से एल्काइन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो अमोनिया से ज़्यादा आती है, और इस रिजल्ट को हमने इसकी pKa वैल्यू के साथ भी कोरिलेट किया था। एल्काइन की pKa वैल्यू 25 होती है जबकि अमोनिया की pKa वैल्यू 36 होती है, और जिस कंपाउंड की pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब एल्काइन का स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मेन रीज़न ये है कि एल्काइन का जो कंजुगेट बेस था वो अमोनिया के कंजुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल था। अगर एल्काइन से एक एच पॉजिटिव को रिमूव करें तो इसका कंजुगेट बेस कुछ इस तरह से बनेगा, और अमोनिया से एक एच पॉजिटिव रिमूव करके इसका कंजुगेट बेस कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इन दोनों में हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एल्काइन का जो CB होगा वो अमोनिया के CB से ज़्यादा स्टेबल होगा। एल्काइन के CB में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है जबकि अमोनिया के CB में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। होना क्या चाहिए था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस CB को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट रिजल्ट इसका बिल्कुल उल्टा आता है कि एल्काइन का जो CB है वो अमोनिया के CB से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि नाइट्रोजन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है जबकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज होता है, और sp हाइब्रिडाइज में परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और अब ये कार्बन जो होता है इस नेगेटिव चार्ज को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रहता है, इसलिए एल्काइन का CB अमोनिया के CB से ज़्यादा स्टेबल होता है। और कभी भी किस कंपाउंड का CB ज़्यादा स्टेबल है तो हमेशा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपाउंड के एटम के हाइब्रिडाइजेशन से इफेक्टेड होती है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमारे पास तीन तरह के नाइट्रोजनस बेस दिए गए हैं, और इन तीनों में ही नाइट्रोजन एटम डोनर एटम की तरह काम करता है, और इसमें अगर हम तीनों इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन देखें तो तीनों ही कंपाउंड में रेजोनेंस एब्सेंट होता है, यानी तीनों ही कंपाउंड के नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है। इसी तरह जो कंपाउंड फर्स्ट यानी एसीटोनाइट्राइल में ये नाइट्रोजन एटम होता है ये sp हाइब्रिडाइज होता है, जबकि पाइरिडीन में ये नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और पाइपरिडीन में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि जैसे जैसे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं, और इस कारण से उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये नाइट्रोजन जो होगा इस लोन पेयर को बहुत टाइटली होल्ड किए होगा,
जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें s करेक्टर कम होते हैं और परसेंटेज s करेक्टर कम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, यानी कि अब ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को उतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा होगा जितना अच्छे से एसिटोनाइट्राइल में हो रहा होगा। इसलिए इन तीनों में से जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी वो सबसे ज्यादा पाइपरडीन में होगी, उसके बाद प्रेडीन में आएगी और सबसे लिस्ट एसिटोनाइट्राइल में होगी। बेसिक स्ट्रेंथ के इस ऑर्डर को हम पीकेबी वैल्यू के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जिस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसमें हमेशा केबी वैल्यू ज्यादा होती है जबकि उसकी पीकेबी वैल्यू कम होती है। इसी कारण से इसमें पाइपरडीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि इसकी पीकेबी वैल्यू इस सीरीज में सबसे कम होती है और एसिटोनाइट्राइल इस सीरीज का सबसे पुअर बेस होता है क्योंकि इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल नंबर 10, ये एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 के पैरेलल होता है। इन तीनों कंपाउंड में अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले इनके हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें sp2 है जबकि इसमें sp है, और जितने ज्यादा परसेंटेज करेक्टर होते हैं उतने ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर इसमें होंगे, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी और ये इस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएगा, इसलिए अब ये एच पॉजिटिव को पुअरली डोनेट होगा। जबकि ये वाला कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम रहेंगे और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम रहेगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा और इजीली एच पॉजिटिव को डोनेट हो जाएगा। और इन तीनों में से इसी कारण से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम आती है। कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ में रेजोनेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब मान लो हमारे पास एक अमीन है जो अपने इलेक्ट्रॉन को एच पॉजिटिव को डोनेट करके बेस बनती है। अगर इसमें आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं तो इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी सकती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट भी सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे R+M इफेक्ट है तो इसके कारण इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये इजिली डोनेट कर पाएगा, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने से हमेशा KB वैल्यू बढ़ती है, PKB वैल्यू कम हो जाती है। अगर बेस के लिए हम डेटा को PKa वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो इसके लिए जो PKa वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से मान लो R जो है वो -M वाला ग्रुप है तो ये क्या करेगा, -M इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी जिससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इसकी KB वैल्यू डिक्रीज होगी बट इसकी PKB वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसके डेटा को PKa वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो इसकी PKa वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की अमीन दी गई है, एक एलिफेटिक अमीन है, दूसरी हमारे पास एरोमेटिक अमीन है। और इस एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, जबकि यहाँ पर कहीं भी कंजुगेशन नहीं है। अगर इन दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और दूसरा इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी तरीके से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, जबकि इस नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। और ऐसे केस में नाइट्रोजन अपना +M इफेक्ट शो करता है और बेंजीन रिंग अपना -M इफेक्ट शो करते हैं और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में माइग्रेट कर जाते हैं। अगर इन दोनों नाइट्रोजन पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन थे और जबकि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन दोनों कंपाउंड की नाइट्रोजन में इस नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के -M इफेक्ट के थ्रू कम हो जाती है। इसलिए इन दोनों में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। और इस रिजल्ट को हम पीकेबी वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। जिस कंपाउंड की पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जिस कंपाउंड की पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना पुअर बेस होता है। एग्जाम्पल नंबर 12, यहाँ पे तीनों कंपाउंड के जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले कंपाउंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल एक बेंजीन में माइग्रेट करता है जबकि सेकेंड कंपाउंड में दो रिंग में करता है और तीसरे कंपाउंड में ये लोन पेयर तीन रिंग में माइग्रेट करता है। अगर इन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जाए
तो कंपाउंड फर्स्ट की नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, क्योंकि इसमें माइग्रेशन सिर्फ एक बेंजीन रिंग में हो रहा है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड नंबर थर्ड में रहेगी, क्योंकि इसका लोन पेयर तीन बार बेंजीन रिंग में जा रहा है। इसलिए जो डोनर एटम होता है, जिस उस पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? कंपाउंड फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कंपाउंड थर्ड सबसे पुअर बेस होगा। इसको इसकी हम आरएस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंपाउंड फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ आरएस चेक करें तो इसमें 4 आरएस बनती हैं। इसी तरह कंपाउंड सेकंड में 7 आरएस बनती हैं और कंपाउंड थर्ड में 10 आरएस बनती हैं। और हमने ये देखा है जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा आरएस होती हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब कंपाउंड नंबर थर्ड जो होगा इस सीरीज का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि कंपाउंड फर्स्ट इस सीरीज का सबसे वीक स्टेबल होगा। इसलिए कंपाउंड थर्ड कभी भी अपना लोन पेयर देगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है। जबकि इन तीनों में सबसे जल्दी डोनेट कंपाउंड नंबर 1 करेगा, क्योंकि वो इस सीरीज का सबसे लेस स्टेबल है। एग्जांपल नंबर 13। इस एग्जांपल में हमारे पास तीनों कंपाउंड में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर है। अगर फर्स्ट टू कंपाउंड को देखें, इसका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होता है, जबकि थर्ड कंपाउंड का ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में होता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है और ये इस तरह से 2 इक्विवेलेंट आरएस को बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड नंबर थर्ड में डीलोकलाइजेशन के कारण इसकी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जबकि इन दोनों कंपाउंड में लोकलाइज होने के कारण इनकी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इससे हम एक चीज तो कंफर्म कर सकते हैं कि जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है वो वीक बेस हो जाता है। यानी इन तीनों में से कंपाउंड थर्ड जो होगा इस सीरीज का सबसे पुअर बेस होगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड नंबर फर्स्ट और सेकंड की। इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एच एटम है और उसकी जगह पर फर्स्ट कंपाउंड में आर एटम है। अगर मान लो आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो ये आर ग्रुप क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण इन दोनों में से कंपाउंड फर्स्ट की ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड सेकंड की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जिस कंपाउंड के डोनर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड में से कंपाउंड फर्स्ट जो होगा वो इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमको इन दो कार्बेनियन की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। इसमें कंपाउंड फर्स्ट का जो ये नेगेटिव चार्ज होता है वो इस कीटो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में रहता है, और इस कीटो ग्रुप के माइनस एम इफेक्ट के कारण इस कार्बेनियन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि कंपाउंड सेकंड में ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इन दोनों कीटो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में रहता है, यानी कि कंपाउंड सेकंड के कार्बेनियन पर इन दोनों कीटो का 2 बार माइनस एम इफेक्ट लगता है। इस कारण से अगर इन दोनों कार्बन को हम आपस में कंपेयर करें तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन 2 बार इस सी डबल बॉन्ड ओ में माइग्रेट करेंगे, जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन केवल 1 बार ही इस कीटो ग्रुप के साथ माइग्रेट करेंगे। तो इन दोनों में से इस कंपाउंड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इन दोनों में से कंपाउंड नंबर फर्स्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जाम्पल नंबर 15। इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो इन दोनों कार्बेनियन में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है ऑक्सीजन और सल्फर एटम का। फर्स्ट लुक में हमको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा खींचेगा, जबकि सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो इस नेगेटिव चार्ज को कम खींचेगा। इस कारण से इसके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और इन दोनों में से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। अगर इसकी केबी वैल्यू देखी जाए तो उसमें क्लियरली हमको ये पता चलता है कि इस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था, बट केबी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो पाता। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें ये होता है क्योंकि जो बेस स्ट्रॉन्ग होता है उसकी केबी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अब इसमें ये वाला पुअर बेस क्यों बन गया? क्योंकि इसका मेन रीजन है सल्फर एटम में वैकेंट ऑर्बिटल थे, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण अभी नेगेटिव चार्ज सल्फर एटम के अंदर माइग्रेट कर गया था, यानी कि इसमें SH ग्रुप ने अपना माइनस एम इफेक्ट शो किया था, और माइनस एम इफेक्ट शो करने के कारण इसका नेगेटिव चार्ज सल्फर के खाली ऑर्बिटल में माइग्रेट किया था। जबकि फर्स्ट केस में ये जो ऑक्सीजन है इसमें खाली ऑर्बिटल नहीं होते,
इसलिए ये इस नेगेटिव चार्ज को केवल अपने स्ट्रॉन्ग माइनस आई के थ्रू ही डिक्रीज कर पाता है और माइनस एम माइनस आई पर डोमिनेंट होता है। इस कारण से इसके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और यही रीजन रहता है कि कंपाउंड फर्स्ट जो होता है इस सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी तरह मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी बेसिसिटी पे इम्पैक्ट आता है, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट हो या इंडक्टिव इफेक्ट हो। दोनों ही केस में हमको ये चीज नोट करनी है कि जो डोनर एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो रही है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो बढ़िया बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और उसकी के बी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो पुअर बेस होगा और उसकी के बी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 16 की हेल्प से हम कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट के रोल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एल्कोक्साइड दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड, मिथोक्साइड, इथोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड और टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इन पांचों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस है कार्बन की चेन या कार्बन के नंबर का। जैसे यहाँ पे एक भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो है, इसमें तीन कार्बन हो गए और इसमें चार कार्बन हो गए। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन या कार्बन की चेन इंक्रीज होती है तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कंपाउंड नंबर फिफ्थ में ये तीनों एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इस ओ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा कार्बन थे। बिल्कुल इसके अपोजिट जो कंपाउंड नंबर फर्स्ट था इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है, इसलिए एल्काइल ग्रुप एब्सेंट होने के कारण इसकी ऑक्सीजन पर बाकी सभी कंपाउंड के कंपैरिजन में लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और अभी हमने देखा है कि जो डोनर एटम होता है उसके ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कंपाउंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें चार कार्बन थे इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और इसमें ऑक्सीजन पे सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसलिए अगर इन चारों कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात की जाए तो इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा, यानी टर्शरी ब्यूटोक्साइड इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा जबकि हाइड्रोक्साइड इस सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस होगा। इस एग्जाम्पल के कंप्लीट ऑर्डर को हम इनकी पीकेए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी केबी वैल्यू ज्यादा होती है, पीकेबी वैल्यू कम होती है, और अगर इसको पीकेए वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाए तो इसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटोक्साइड की पीके वैल्यू इस सीरीज में सबसे ज्यादा आने के कारण इस बात का कंफर्मेशन है कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसी तरह हाइड्रोक्साइड के लिए पीके वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होने के कारण ये इस बात का इंडिकेशन है कि हाइड्रोक्साइड इस सीरीज का सबसे पुअर बेस है। एग्जाम्पल नंबर 17, यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड दिए गए हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की तरह से ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, जैसा कि इन एग्जाम्पल में कार्बन और लिथियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है। इस कारण से इन तीनों के लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और लिथियम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब नेगेटिव चार्ज के कारण इन तीनों ही कंपाउंड के कार्बन न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के तीनों कंपाउंड में तीन चीजें कॉमन है। पहली चीज तो ये कि इनके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी चीज, ये नेगेटिव चार्ज तीनों में ही कार्बन एटम पे है। तीसरी चीज, तीनों में ही नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है और सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप या एल्काइल चैन उस पे प्लस इफेक्ट शो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए इस कार्बन नेगेटिव पर हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी पड़ेगी। जिस कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अभी हमने देखा था कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो कार्बन की चैन या कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है जबकि यहाँ पे 4 कार्बन है और अगेन यहाँ पे 4 कार्बन है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों कंपाउंड के कार्बन पर इस कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करें, अगर कहीं भी 4 कार्बन की लीनियर चैन हो और 4 कार्बन की ब्रांच चैन हो, ऐसी कंडीशन में जनरली ये देखा जाता है कि ब्रांच चैन का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो
वो लीनियर चेन से ज्यादा होता है। इसका मतलब इसमें ये जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोमिनेंट तरीके से डोनेट करेगा। इस कारण से इस कार्बन पर तीनों मिथाइल के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, जबकि इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस कंपाउंड के कंपैरिजन में कम होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से जो इसका कंपाउंड फर्स्ट होगा उसके कार्बन पर सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसलिए इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जिसके कार्बन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनर एटम उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इन तीनों में से जो कंपाउंड थर्ड है यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, जबकि मिथाइल लिथियम इस कैटेगरी का या इस सीरीज का सबसे पुअर बेस होगा। इसके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को हम पीकेए वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना वीक बेस होता है। नंबर 6 SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बेसिसिटी में SIR का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है और इसको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं। इस कंपाउंड में SIR डेवलप होता है जिसके कारण कार्बन नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड होता है ये रोटेट कर जाता है, और रोटेट करने के कारण अब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकता, यानी कि इसमें SIR के कारण बेंजीन का माइनस एम वर्क नहीं करता और इसी तरह नाइट्रोजन का प्लस एम भी इसमें वर्क नहीं करता। इन दोनों ग्रुप के प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट ना शो करने का मेन रीजन रहता है SIR, क्योंकि इस कंपाउंड में हिंड्रेंस डेवलप हो जाती है और कभी भी हिंड्रेंस के कारण अगर मॉलिक्यूल का कोई ग्रुप प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा ऐसे कॉन्सेप्ट को हम SIR कहते हैं। इसमें SIR डेवलप होने के कारण इसकी नाइट्रोजन पर इस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो इसकी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि कंपाउंड फर्स्ट में हिंड्रेंस ना होने के कारण अब यह आसानी से अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा होगा, बेंजीन इसमें माइनस एम शो कर रही होगी और नाइट्रोजन इसमें प्लस एम शो कर रहा होगा, इसलिए इस नाइट्रोजन पर इसके प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि इसमें ये नाइट्रोजन अपना प्लस एम इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। इस कारण से इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो डोनर एटम स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। इसलिए इन दोनों में अगर बेसिसिटी को कंपेयर किया जाए तो कंपाउंड सेकंड जिसमें SIR डेवलप हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब SIR के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको करना क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो एसिड बेस वाली फोल्डर या प्लेलिस्ट है वहां पे SIR के वीडियो को देखना है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन स्पंजिस की। प्रोटॉन स्पंजिस स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जिसमें हिंड्रेंस के कारण बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे इस कंपाउंड में यह नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करता है, बट इसके चारों ओर बड़े ग्रुप लगने के कारण इसके बीच में हिंड्रेंस शुरू हो जाती है, और इस हिंड्रेंस के कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाते हैं। अगर इसकी हम पीके वैल्यू की बात करें तो इन कंपाउंड की जो पीके वैल्यू है वो 16 के आसपास होती है, बट ये अगर प्रोटोनेशन कर लेता है तो इसके हिंड्रेंस में कमी आ जाती है। अब इसकी हिंड्रेंस में कमी होने का मेन रीजन ये रहता है कि प्रोटोनेशन के बाद इस बेस के थ्रू बनने वाला कंजुगेट एसिड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, यानी ये एच एटम अब इन दोनों एन एटम के बीच में ब्रिज का काम करता है और इस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए प्रोटोन स्पंजिस की जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग SIP यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एनिलीन में किन किन कंडीशन में SIP डेवलप होता है और SIP डेवलप होने से एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट डेवलप होता है। तो गाइस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे दो हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली हम्बल रिक्वेस्ट तो मेरी उन स्टूडेंट्स या उन व्यूअर्स से है जो इस चैनल के साथ पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं, और अगर आप इस चैनल के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं इसका मतलब ये है कि इस चैनल के वीडियोस को आप लाइक करते हैं और इसके थ्रू आप ये मानते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ग्रुप के साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट उन व्यूअर्स या उन स्टूडेंट्स से हैं जो इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ 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 इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी रैंडम 5 वीडियो सेलेक्ट करिए, और इन 5 वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है इन 5 वीडियो के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है या जिस भी टॉपिक पे हमने इंटरेक्ट करा है उसमें आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज होती है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं,
तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन दोनों तरीकों से ही इस चैनल को सपोर्ट मिल सकता है। और किसी भी चैनल को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसके जो व्यूअर्स होते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मैं ऐसी होप करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, ताकि आपके कमेंट से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से मैं इस चैनल में और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।